नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री पीरियड को देख लो। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1517, जैसे उसके सिकंदर की मृत्यु होती है और 1517 से लेकर 1526 तक रहता है, और 1526 में बाबर का भारत पर आगमन होता है। दौलत खां द्वारा इसे बुलाया जाता है कि भैया आप आओ और इनको इब्राहिम को जो है इनसे युद्ध करो, क्योंकि बाकी तो और कोई लोग इनसे युद्ध करने लायक रहते नहीं है। ऐसा ये अपना जो शिकंजा बना लेता सैनिकों पर धमका उमका के कि भैया अब हमें या तो छोड़ोगे तो सीधे मरोगे। तो ये लोग जो है सैनिक जो हैं इनका साथ काफ़ी देते हैं कुछ जो होते हैं, और कुछ जो होते हैं इनसे विद्रोह करके जो है अलग अलग अपना वो बना लेते हैं। कई बार अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इब्राहिम के सामने उनका जो है पावर चलता नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनका जो नाम था, सुल्तान इब्राहिम लोधी नाम था। इनके जन्म के बारे में बात करें तो कहा जाता है 480 या 490, कंफर्म डेट नहीं है कि समय में ही हुआ था। इनके पिता का नाम बता ही दिए, सिकंदर लोधी था, और इनकी जो डेथ हो जाती है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ते समय ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके जीवन काल में कहा जाए कि जब ये सुल्तान बनने वाले थे तो इनके सामने दो चीज़ें थी। ऐसा हुआ कि जो अफगान आपके सरदार थे, जैसे सिकंदर मरता है तो इनके एक छोटा भाई रहता है इब्राहिम का, जलाल खान नाम रहता है, और जौनपुर मैंने बता दिया था कि इन्हीं के सिकंदर के कब्जे में आ गया होता है। ठीक है, और जौनपुर के लिए बहुत शुरू से ही लड़ाई चलती, बहलोल जौनपुर को अपने में करता है। उसके बाद से क्या करता है, सिकंदर अपने भाई से ही लड़ जाता है जौनपुर के लिए। वो कहता है कि नहीं भैया आप हमारे हिसाब से चलो, भैया काहे सुने उनकी। ठीक, इस वजह से क्या होता है, फिर से वो अपने भाई पे ही अटैक करता है, उनको बंदी बना लेता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अब दिल्ली सल्तनत में मिल जाता है तो इब्राहिम के पास जो है बोला जाए तो सुल्तान बनने के तो दिल्ली है, और एक आपका कौन सा जगह जौनपुर जगह है, वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ के जो अफगानी जो सरदार होते हैं वो लोग दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया दिल्ली का सल्तनत जो है संभालेगा वो कौन, इब्राहिम लोधी, क्योंकि उसके पिताजी उसे कह के गए थे कि इसे ही सुल्तान बनाना। ठीक है, कई युद्ध में उनके साथ रहता है, इस वजह से काबिल भी रहता है, थोड़ा युद्ध की नीति आती उतना काबिल नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, मगर हाँ इतना होता है कि जलाल खां से जो है काबिल ही होता है, इसीलिए दिल्ली का सुल्तान इसे बना दिया जाता है। और उससे जो छोटा वाला उसका सिकंदर का पुत्र होता है उसे कहाँ का बनाया जाता है, उसे जौनपुर का सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इब्राहिम को ये बात खटकने लगती है, अरे यार सुल्तान एक होता, दो दो सुल्तान के तुम लोगों ने राज्याभिषेक कर दिया, एक को जौनपुर में कर दिया, एक को दिल्ली में कर दिया, तो उसे अपने पावर का कम होना जो है महसूस होने लगता है। जिसके कारण जैसे ही वो बैठता है गद्दी पे दिल्ली सल्तनत के, तो कुछ देर तक तो चलो जीने खाने देता है अपने भाई को जलाल खां को, फिर बाद में उसका जो है रुख समझ में नहीं आता। वो कहता है कि भैया ये जलाल खां जो होता है वो धीरे धीरे कहाँ यूपी की तरफ, यूपी में आपका जौनपुर से यूपी में एक कल्पी जगह है वहाँ पे बढ़ता है, अपने पावर को एक्सपेंड करता है। तो ये सब देख के जो है इब्राहिम लोधी घबरा जाता है कि कहीं पता चले ये मुझसे ना विद्रोह कर दे। ठीक है, इसलिए क्या करता है कि जितने भी सरदार उसके साथ होते हैं, जो उसके साथ देने का जलाल खां के साथ, चाहे वो बिहार के हों चाहे आपके जौनपुर के यूपी के सरदार हों, उन सबको आगाह कर देता है कि अगर आप लोगों ने जलाल खां का जो है साथ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे कुछ सरदार को तो कैद करा लेता है, कुछ सरदार जो है उसके साथ गए होते हैं। तो जब जैसे ही वही मैंने बोला ना गद्दी संभाला 1517 में, वैसे ही इसे युद्ध लड़ना शुरू करना पड़ता है। अब वो कहाँ कहाँ युद्ध लड़ता है आओ देख लेते हैं। ठीक है, मैप के हिसाब से हम लोग, ये अब क्लियर हो गया होगा आपको पूरा मैप। मैंने बताया कि दिल्ली में आपका कौन बैठा, भाई साहब दिल्ली में बैठे हैं आपके इब्राहिम लोधी, ये आपकी सीमा मैं बना दे रहा हूँ, राज्य की सीमा है ये देख लो, इधर आपका यूपी। ठीक है, इस साइड वाला आपका यूपी है। ठीक, यहाँ पे आपका जौनपुर है। ठीक, और जौनपुर पे कौन रहता है, जलाल खान आता है, और जलाल खान कल्पी की तरफ मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे अपना शासन करने के लिए। तो दिल्ली का जो सुल्तान रहता है इब्राहिम लोधी, उसे लग जाता है कि भैया ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, मेरे से ही ये विद्रोह करेगा। तो यहाँ सरदारों को, जो बिहार के आपके सरदार होते हैं, इनको मना कर देता है भैया, बिहार के सरदारों को, कि भैया आप लोग इनका साथ न दो। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में और भी जो सरदार होते हैं उनको भी कहता है।
तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनको कैद कर लिया जाता है, और जो इनके साथ गए होते हैं कल्पी में तो इनको पता चल जाता है कि, और कुछ सरदारों को ये दिल्ली से भेजता है कि जाओ जलाल खां को कैद करके ले आओ। जब उसे ये पता चलता है तो अपने आप को कल्पी में स्वतंत्र घोषित कर लेता है, यहाँ का राजा सुल्तान घोषित कर देता है। और फिर बाद में जैसे यहाँ की सैनिक यहाँ कल्पी पे आती है दिल्ली से सुल्तान की, ये यहाँ से भागकर, आपका यह मध्य प्रदेश की सीमा दिख रही है, मैंने बना दिया है ये देखो, और यह इधर आपका राजस्थान है, ठीक है, ये आपका ये वाला क्षेत्र राजस्थान है, ये एमपी है आपका। तो यहाँ पे आपका जो ग्वालियर है, ग्वालियर में ये जाके कल्पी से ग्वालियर में छिप जाते हैं। अब जब ग्वालियर में छिप जाते हैं तो, और ग्वालियर को जीतना भी था, किसे, इब्राहिम को, क्योंकि उसके पिताश्री कह के गए थे। तो इस वजह से जब ये इन्हें अटैक करने का कारण भी मिल जाता है कि भैया जलाल खां को आपने ग्वालियर पे क्यों जो है संरक्षण दिया, इस वजह से ये क्या करते हैं, अपनी सेना लेकर ग्वालियर की तरफ बढ़ जाते हैं इब्राहिम लोदी। और जैसे ही बढ़ते हैं, कहा जाता है कि मतलब समय जो था ये 1517 से एग्जैक्ट समय नहीं पता है, 18 मतलब जैसे गद्दी पर बैठा तब से इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया, इसीलिए इसे बोला जाता है इसका जो जीवन काल सिर्फ युद्ध में ही बीता था। जब अटैक करते हैं उसी समय यहाँ के जो ग्वालियर के राजा रहते हैं मान सिंह, ठीक है, काफी ताकतवर राजा रहते हैं जिस समय वो रहते हैं, उस समय तक ना बहलोल ग्वालियर को जीत पाता है, ना ही सिकंदर लोदी ग्वालियर को जीत पाता है। जैसे उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो ग्वालियर पे उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की जो है राज्याभिषेक होता है, और वो जैसे दिल्ली की सेना यहाँ आती है वो आत्मसमर्पण कर देता है, और आत्मसमर्पण कर देता है, और साथ ही साथ जो जलाल खां कल्पी से भाग कर आया था उसका भाई, उसे क्या करता है, इब्राहिम को दे देता है कि भैया ले जाओ, हम मुसीबत नहीं मोड़ने वाले इनको, और जलाल खां को इब्राहिम लोदी ले जाता है और कैद खाने में उन्हें डाल देता है, ठीक है। और जलाल खां के साथ जितने लोग थे, जो भी सरदार थे, कहा जाता है कि इन्हीं में एक सरदार थे आजाद हुमायूं, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था जब सिकंदर को गद्दी पर बैठाना था दिल्ली सल्तनत के, तो उसी समय आजाद हुमायूं की बात आई थी। आजाद हुमायूं सिकंदर के सबसे बड़े भाई, जो एक तरह से कह सकते बहलोल के सबसे बड़े पुत्र, जिसकी मृत्यु हो जाती है मंगोल आक्रमण में, उनका पुत्र रहता है, ठीक है। तो उसे भी जब सिकंदर की बात आती कि सिकंदर राजगद्दी पर बैठेगा, सिकंदर लोदी, ठीक है, तो उस समय उसकी भी बात होती कि ये भी बैठ सकता है, मगर किसी कारणवश वो नहीं बैठता है। तो ये दोनों मतलब एक तरह से भाई ही रहते हैं, इब्राहिम लोदी और आपका आजाद हुमायूं। तो आजाद हुमायूं जलाल खां का क्या करता है, सपोर्ट किया रहता है। जब इसके बारे में इब्राहिम लोदी को पता चलता है, और वो उसके सेना में भी रहता है आजाद हुमायूं, ठीक है, तो इस वजह से आजाद हुमायूं को भी कैद कर लेता है और जलाल खां को भी कैद कर लेता है। इन सबको क्या करता है, उसमें जेल में डाल देता है। फिर जलाल खां को ये क्या करता है, जब एक जगह से दूसरी जगह कैद खाने में शिफ्ट करता रहता है तो रास्ते में उसे जहर दिलवा के मरवा देता है, और ये कह देता है लोगों से कि उसकी जो है जाते समय तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मगर कुछ सरदार कहते हैं कि नहीं, ये इब्राहिम की चाल थी, इसने इसे जानबूझ कर से क्या किया, मरवा दिया, ठीक है। तो इस वजह से कुछ सरदारों में बहुत दहशत फैल जाता है कि भैया इस पे विश्वास करने लायक नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो ये सबको ख़त्म ही कर देगा। इसीलिए जब आजाद हुमायूं को ये कैद कर लेता है तो इसका जो पुत्र रहता है छोटा सा, इस्लाम खान नाम रहता है, वो पुत्र अपनी सेना मतलब अपने राज्य से सेना लेकर कई लोगों को, सरदारों को इकट्ठा करके जो इब्राहिम के खिलाफ थे, ठीक है, उनको इकट्ठा कर एक पूरा सैन्य बनाता है, अफगानों की एकदम पावरफुल सेना बनाता है और दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए जो है चल देता है। जब दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को यह पता चलता है कि इसका बेटा आ रहा है तो वो भी क्या करता है, भैया अपनी सेना पूरी घोड़सवार एकदम बोला जाता है 30 से 40 हज़ार सेना जो है तैयार कर लेता है, और इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, बोला जाता है काफ़ी दिन तक युद्ध चला था, बहुत ही नरसंहार हुआ था, कई लोगों के खून जो है बहे थे, एकदम नदियाँ बह गई थी खून की। कहा जाता है 10 हज़ार के करीब आपके अफगान वीर सैनिक जो हैं उस लड़ाई में मारे गए थे, और उसी में जो है आजाद हुमायूं का बेटा भी मारा गया, ठीक है, वो जीत हासिल नहीं कर पाया इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और जैसे ही वह मर जाता है तो उसके बाप को भी मार दिया जाता है, क्यों, क्योंकि भैया तुम्हारा बेटा क्यों मेरे खिलाफ विद्रोह पैदा किया, इस वजह से उसे भी मार दिया जाता है। और मारने के बाद क्या होता है कि अब जो है इब्राहिम अपना ग्वालियर पे तो अटैक करके जीत ही गया रहता है, और ग्वालियर पे अटैक करके जीतने के बाद वो अपना और आगे बढ़ता है, आगे की जैसे जगहों पे अटैक करना
कहता है, जैसे आपका राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र है उसे भी पाना चाहता था, तो उसके लिए देखो उसके किससे किससे लड़ना पड़ता है, शुरुआत कैसे होती है कि मेवाड़ को वो कैसे जीते, चाहे मेवाड़ की जैसे जो आपके राजा रहते हैं राणा संग्राम सिंह जिसे राणा सांगा बोलते हैं, उनका युद्ध किस हिसाब से हुआ, क्यों इन दोनों में युद्ध हुआ, किसको लेके हुआ, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। हुआ ये कि 17 और 18 की ही बात है, टाइम पीरियड का कोई जिक्र नहीं है, मिलता नहीं है आपका, कि जब ग्वालियर पर अटैक कर लिया तो इसका अब ख्वाब था किसको जीतना, इसका ख्वाब था मालवा को जीतना। ठीक है, आपका ये मालवा मध्य प्रदेश में है, पड़ता था उस समय ये पूरा पठार एरिया पड़ता था, इस मालवा को जीतना उसका मेन एम था। और मालवा के राजा को हराने के लिए जो है आपके यहाँ के एक प्रधानमंत्री रहते हैं सेनापति, उनका नाम रहता है मेदनी राय, वो दिल्ली से सपोर्ट मांगते हैं, भैया हमें सपोर्ट करो, हम मालवा के सुल्तान को हरा देंगे, आपके मालवा में मतलब दिल्ली सल्तनत में मालवा को मिला देंगे। इनसे भी सपोर्ट मांगा रहता है और गुजरात के राजा से भी सपोर्ट मांगा रहता है ये मेदनी राय। मगर यहीं पर राणा सांगा जो है चलाकी कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, मेवाड़ के जो राजा रहते हैं संग्राम सिंह, वो मेदनी राय को सपोर्ट कर देते हैं। जब तक इनका सपोर्ट नहीं आता है तब तक ये, क्योंकि मेवाड़ के राजा को भी मालवा चाहिए था, ये भी शक्तिशाली रहते हैं संग्राम सिंह, ठीक है, इसी वजह से इन दोनों की भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए, मालवा चाहिए, अधिकार चाहिए मालवा को लेकर। तो इसलिए संग्राम सिंह मेदनी राय का जो है सपोर्ट करते हैं, और मेदनी राय क्या करता है, जो मालवा के आपके सुल्तान होते हैं उनको हटा देता है, और यहाँ पे मालवा को जो है संग्राम सिंह अपने राज्य में मिला लेते हैं। अब ये सब देखकर जो है दिल्ली का जो सुल्तान होता है वो घबरा जाता है, और गुजरात वाले को भी ये लोग दबा देते हैं, इसकी सहायता लेने से मना कर देते हैं, भैया रहने दो, हो गया हमारा जो काम था, हमने फतेह हासिल कर लिया, मालवा के सुल्तान को हमने हरा दिया। अब इस वजह से आपका क्या होता है कि इनके और इनके बीच में मतभेद हो जाता है, अब ये दोनों लोग अपने में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी बीच राणा संग्राम सिंह आपके आगरा के पास जो चंदेरी जगह है, ठीक है, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, जहां किसका, दिल्ली सल्तनत का कब्जा होता है, तो और खुन्नस खा जाता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी अब जो है आता है, और इधर से राणा संग्राम सिंह आते हैं आपके, और एक घटोली नाम का जो जगह है आपके, वहां पर क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, युद्ध होता है, क्या नाम है, घटोली, ठीक, घटोली का युद्ध होता है यहाँ पे आपका जो है ग्वालियर, मतलब आपके यूपी में ही वहीं पे आपका युद्ध होता है, और ये लोग काफी लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ पे जो है राणा संग्राम सिंह जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को अपने जीवन काल में सबसे बड़ा जो है शर्मिंदगी इसको लेकर महसूस होती थी कि वो राणा संगा से एक नहीं दो तीन युद्ध हार चुका था, ठीक है, और सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब वो ग्वालियर फतेह कर लेता है, क्योंकि ग्वालियर पे कई लोगों ने प्रयास किया था उससे पहले सुल्तानों ने, और वो हासिल जो है नहीं कर पाए थे, ठीक। तो राणा संगा अपना एक हाथ खो देता है उस युद्ध में और विजय प्राप्त कर लेता है, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। उसके बाद से क्या होता है कि भैया फिर से अब इब्राहिम लोदी की भाई वो जो है पर लग जाता है कि मैं हार कैसे गया, मेरे पास इतनी सैन्य होते हुए, मैं दिल्ली का सुल्तान होते हुए मैं हार कैसे गया, बार बार उसके मन में ये कचोटता था। वो क्या हुआ कि फिर से अपनी सेना इकट्ठा करता है, फिर एक बार आक्रमण करने जाता है, फिर से राणा सांगा से हार जाता है, मतलब कहा जाता है तीन बार ये राणा सांगा से हारता है। उसके बाद से ये संधि कर लेते हैं, अपना अलग अलग जगह रहने लगते हैं। अब होता क्या है, अब उसके बाद से जो इसके शासन काल में सरदार होते हैं अफगान सरदार, वो जानते रहते हैं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा साथ लेता है, बाकी हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, ठीक। तो इनमें क्या होता है अब कि जो सरदार होते हैं इनसे, इनके उग्र व्यवहार से, इतने क्रूर होने के नाते, धमका के काम कराने के नाते क्या करते हैं, इनका साथ छोड़ते चले जाते हैं, ठीक। जो इनके साथ रहता है, भैया अब तो रहना ही पड़ेगा, अब ऐसा नहीं कि सभी लोग कर देते हैं, जैसे कभी भी कोई राजा आपका विकार निकलता है तो उसके साथ कुछ लोग अपने अभी बलिदान दे देते हैं ना चाहते हुए भी, और कुछ लोग वहाँ से धीरे धीरे अपना निकटते जाते हैं और
जाके किसी ना किसी से गुट मिला के एक सेना तैयार करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, इनके जो भी सरदार थे अफगानी जो इनसे परेशान थे वो कहाँ का चले गए भैया, वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में चले गए। और गाजीपुर का जो सरदार था वो काफ़ी ताकतवर था, उसके पास सेना काफ़ी अच्छी थी, वो भी और भी सेना अपना बढ़ाता है सभी का सपोर्ट लेकर, बिहार उहार का सपोर्ट लेके, आपके अवध के जो सरदार होते हैं उन सभी का सपोर्ट लेकर कि मुझे किसके साथ, इब्राहिम के साथ युद्ध लड़ना है, तो भैया आप लोग सेना मुझे प्रोवाइड करो और हम लोग सब लोग एकजुट होकर जितने अफगान सरदार हैं वो इब्राहिम के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। और यही होता है जब पूरा यह सरदार अपनी सेना लेके दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो इब्राहिम को लग जाता है अरे यार ये बहुत भारी सेना आ रही है, मैं इससे निपट नहीं सकता। तो ये क्या करता है, पंजाब के जो सरदार होते हैं, गवर्नर होते हैं दौलत खां, उनसे हेल्प मांगता है, भैया आप अपनी सेना हमें दो नहीं तो हम क्या करेंगे, गाजीपुर वाले जो अफगान सेना आ रही है जो सरदार लेकर आ रहा है हम उससे हार जाएंगे और दिल्ली हमारे हाथ से चली जाएगी। अब भैया दौलत खां क्या करते हैं, वो कहीं बिजी रहते हैं, वो अपने पुत्र को भेज देते हैं। अब ये जब उनका पुत्र वहां आता है दिल्ली से इब्राहिम के पास सेना लेकर, तो वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पुत्र में उतनी काबिलियत नहीं होती है कि सेना का नेतृत्व कर सके, तो इसलिए उसे जो है नीचा भी दिखाते हैं उसके पुत्र को, और भरा बुला कहते भी हैं, उसके बारे में भी कहते हैं और उसके पिताश्री के बारे में भी कहते हैं। अब वो भड़क जाता है भैया, अपने पिताश्री को जो है संदेश पहुंचा देता है कि पप्पा ये तुम्हारे वाले में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अब बताओ इन्हें यही मार गिराए। ठीक है, कहता नहीं बेटा तुम उसके काबिल नहीं हो कि अकेले तुम उसे मार गिराओगे। तो अब उनके पप्पा जो है दिमाग लगाते हैं और काबुल में उस समय कौन रहता है भैया, बाबर रहता है। ठीक है, मुगल वंश का शासक बाबर जो है काबुल में बैठा रहता है, वहां तक संदेश दौलत का पहुंचाते हैं कि बाबर भाई साहब आपकी जरूरत है हमें, इब्राहिम जो है हमारे जो है नाकुत में दम कर रखा है, आप आइए और उसे जो है रास्ते से हटाइए और दिल्ली की सल्तनत की गद्दी जो है आपके हेल्प से मैं वहां पर बैठ जाऊं। ऐसी लालसा होती है दौलत खां की, मगर वो ऐसी पूरी नहीं होती है। जब बाबर सोचता है कि लड़ाई मैं लड़ूं, जीतू मैं हटाऊं उसे, तो राजा तुम्हें क्यों बनाऊं, तो राजा मैं ही बनूं, यही होता है। और 1526 में आपका क्या होता है, बाबर जो है आपका पानीपत के मैदान में आता है और यहां से आपके कौन जाते हैं भैया, इब्राहिम लोदी अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इब्राहिम जब इनको पता चल जाता है, भनक पड़ जाती है कि भैया बाबर आ रहा है, तो ये अपनी सेना बहुत बढ़ा लेते हैं, कम से कम 40 से 50 हज़ार कहा जाता है सेना रहती है। और वहीं बाबर की बात करें, इतिहासकार जो बात करते हैं कि बाबर के पास सिर्फ 15 हज़ार सैनिक होते हैं, मगर बाबर के पास जो टेक्निक होती है, जो एक तरह से एक्सपीरियंस होता है युद्ध लड़ने का, वो बहुत होता है क्योंकि वो पूरा का पूरा जब से बचपन से ही 15-17 साल से की उम्र से ही युद्ध लड़ता चला आता है, लाहौर पे कब्जा करता है, काबुल पर कब्जा करता है, उतना एक्सपीरियंस इब्राहिम लोदी का नहीं रहता। ये सिर्फ अपने सैनिक के बल पर, अपने सेनापतियों के बल पर कूदते रहते हैं, अफगान सरदारों के बल पर कूदते रहते थे जो इस समय लास्ट तक उनका साथ क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे इब्राहिम लोदी का, जिसके कारण इनकी सेना भी क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। अब वो 15 हज़ार सैनिक जो है 50 हज़ार सैनिकों को धूल चटा देते हैं। युद्ध होता है पानीपत के मैदान में, बहुत घमासान युद्ध होता है। ठीक है, बहुत चलाकी से बाबर की सेना लड़ती है और इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है उनके पास वही टूटे फूटे तलवार होते हैं, वही धनुष होते हैं, बूढ़े घोड़े होते हैं, वो इस वजह से उसकी जो है हार पक्की होती है। मगर बाबर के पास 15 हज़ार सैनिकों के साथ साथ नई तकनीक की तोप होती हैं, तलवारें अच्छे होते हैं, फास्ट रफ्तार वाले घोड़े होते हैं, तो भैया पक्का वही जीतेगा। ठीक, और यही कारण होता है बहुत स्ट्रेटेजी से वो लड़ता है और पानीपत का युद्ध जो है वो जीत जाता है। और इनको मारने के बाद जो है बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है और इब्राहिम लोदी यहीं इनका समापन हो जाता है और मुगल वंश जो है आपका दिल्ली सल्तनत पर, मतलब बोल सकते हो दिल्ली पर जो है आपका कब्जा कर लेता है। और यहीं से आपकी दिल्ली की जो कहानी है, दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म हो जाता है और मुगल वंश जो होता है शुरू होता है। तो अब मुगल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।